प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने पहुंच में सिपाहिया यूथ क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस टूर्नामेंट में 20 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राजेंद्र राणा ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर तक ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से अनेक प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं, जो भविष्य में प्रदेश व देश का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करती हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज युवा खेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और खेल के मैदान में अपने प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं। इस टूर्नामेंट के बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजेंद्र राणा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया व आयोजकों को सफल आयोजन करने के लिए बधाई देते हुए 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस दौरान उप प्रधान विपिन सिपहिया, वार्ड मेंबर सागर रांगड़ा, कैप्टन संतोष कुमार, विनोद कुमार प्रेमचंद, ज्ञानचंद, करमचंद, पवन कुमार राजमल, राकेश कुमार, करमचंद व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और हर साल यहाँ टूर्नामेंट लगते हैं, नौजवान अपनी प्रतिभा जो है उसको यहाँ पर जो है प्रदर्शित करते हैं और खेलने का आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है। इसलिए ऐसे टूर्नामेंट्स का ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि नौजवान जो है ठीक रहे, वो तंदुरुस्त रहे, फिटनेस रहे और आपका ध्यान गलत दिशा में ना जाए, खेलों की तरफ रहे, वही देश, वही समाज आगे बढ़ता है, वही समाज तरक्की करता है जिस समाज का नौजवान तंदुरुस्त होता है, हेल्दी होता है, फिट होता है और वही देश आगे बढ़ता है, तरक्की वही लोग करते हैं। इसलिए जो मर्जी करिए, नौकरी करिए, कारोबार करिए, खेती करिए, जो मर्जी करिए, परंतु अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए और अपनी फिटनेस जरूर करिए। जीवन में सबसे बड़ा आनंद अगर कोई है तो अगर आप फिट हैं तो उसी का है। जब आदमी की सेहत खराब होती है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया उसके पास हो, उसके लिए मिट्टी बन जाती है।